नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। सागर रीवा संभाग में बूंदाबांदी, भोपाल इंदौर में धूप, 15 शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार, ग्वालियर श्योरपुर कला भिंड सतना नौगांव में बारिश। एमपी बोर्ड 10वीं का पेपर लीक नहीं, इंदौर में वायरल पर्चा फर्जी, अधिकारी बोले पिछले साल का हिंदी का पेपर एडिट कर ग्रुप्स पर भेजा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि प्रधानमंत्री का 11 फरवरी को झाबुआ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इंसानों से जानवरों जैसा सलूक, भोपाल का बोलकर महाराष्ट्र ले गए, हाथ तोड़कर काम कराया, पैसे मांगने पर पीटा। सागर जिले के 40 लोगों को महाराष्ट्र के बीड और परभणी जिले से मुक्त करवाया गया। बांधवगढ़ के खितौली रेंज में प्रतिदिन पर्यटकों को रोमांचित करने वाली बाघिन का एक वीडियो रविवार को पर्यटकों ने बना लिया, उसे वायरल कर दिया गया। इस वीडियो को बनाने वाले पर्यटक ने बताया है कि ये बाघिन को अपने निकट देखकर रोमांचित हो गए। आर्थिक तंगी से परेशान होकर मजदूर ने जहर खाकर दी जान, बेटे को भी खिलाया, हालत नाजुक। खनिया थाना क्षेत्र के एक मजदूर ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। पहला पेपर हिंदी विषय का था, जिसमें दो नकल के प्रकरण बने हैं। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद पुलिस प्रशासन हुआ सक्रिय, हाथ काटने के बाद कहने वाले पर लगेगा NSA। दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय में शनिवार की रात्रि एक टेलर के साथ 4 लोगों द्वारा की गई मारपीट। ऑनलाइन सट्टा कांड के बाद युवक ने कर ली थी आत्महत्या, आरोपित के 2 मकानों पर चले बुलडोजर। पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर को ये व्यापारी के पुत्र योगेश अग्रवाल ने फंदे पर अटक कर जान दे दी थी। वन्यजीवी के हमले में मुखिया की मौत पर परिजनों को पेंशन देने की तैयारी, मोहन सरकार जल्द लेगी निर्णय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।